Hello guys, welcome back to my channel. This is Winkel Sukriti and you are watching Explorers. So guys, welcome back to another YouTube video. So today's video is very special for those kids who have commerce in plus 2 and if they have done in bachelor's, what happened? B.com वगैरह हाँ तो वो यहाँ पे आना चाहते हैं अकाउंट्स की फील्ड में कॉमर्स की फील्ड में कोई भी लाइन में आना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत लड़की खूबसूरत तो चलो है ही है और इंटेलिजेंट मास्टर्स कर लिया इन्होंने अब इनका नाम है सुकृति इन्होंने बता ही दिया तो इनके मुँह से सुनते हैं कि इन्होंने क्या किया है और यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं क्या करके आए थे सब कुछ इन डिटेल तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए कुछ नई चीजें हैं और ये आपको कुछ थोड़ा सा ज्ञान भी देंगे तो मे भी आपको हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर तो स्टार्ट करते हैं तो पहले आप बताइए हमें कि आप जब इंडिया से आए थे तो आपने इंडिया में क्या किया हुआ था क्योंकि शुरू से शुरू करते हैं तो इंडिया में मैंने ऑलरेडी मास्टर्स की हुई थी उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ ये मेरी छोटी सी गलती थी मैं क्योंकि थोड़ा सा लेट आई हूँ मैक्स टू मैक्स अगर आपको फॉरेन आना है तो बैचलर्स के बाद आ जाओ इससे लेट मत हो ठीक है यहाँ पे आके मैंने सेकंड मास्टर्स की ठीक है अभी मेरे पास दो मास्टर डिग्रीज हैं क्वींसलैंड से हैं बट स्टिल मैं जॉब ढूंढ रही हूँ तो ठीक है आई एम श्योर जॉब मिल जाएगी ऐसा नहीं है लेकिन अगर मैं वही दो साल पहले आ गई होती तो अब तक मैं सेटल हो जाती ये चीज होती है पहले आप ये बताओ कि आपने इंडिया में कौन सी मास्टर्स की थी और यहाँ पे क्या मास्टर्स की इंडिया में मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की पहले फिर मास्टर्स ऑफ कॉमर्स की इंडिया में स्पेशलाइजेशन और एमकॉम अकाउंटिंग में थी स्पेशलाइजेशन और यहाँ की स्पेशलाइजेशन मेरी फाइनेंस और आपके मास्टर्स में मार्क्स कितने थे और आपके आईएलटीएस का स्कोर क्या था या पीटी की थी उसका क्या स्कोर था मास्टर्स में मेरे 78% थे ओह माय गॉड इंटेलिजेंट ब्यूटी विद द ब्रेन और आईएलटीएस में मेरा स्कोर था आई थिंक सो 6.5 और 7 या नॉट लेस देन 6 मतलब रिक्वायरमेंट वो वाली पूरी थी हाँ तो एक आपके लिए ये सजेशन है जो मास्टर्स वाले यहाँ पे आना चाहते हैं तो भाई आप भी आ सकते हो फिर से मास्टर डिग्री लेके तो ये आपकी रिक्वायरमेंट इन्होंने बता दी कि क्या होनी चाहिए बेसिक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या होनी चाहिए हाँ। और अब आप बताएं कि आप यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में आए थे और उसकी जो एंट्री लेवल था वो क्या था यूनिवर्सिटी मेरी थी क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी क्यूयूटी द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन ब्रिस्बेन और ये बेस्ट यूनिवर्सिटी आती है मतलब टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आती है इन द वर्ल्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड नॉट इन ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड में है क्यूयूटी यूनिवर्सिटीज बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है क्यूयूटी ठीक है वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है उनकी रिक्वायरमेंट थी कि एक तो 6.5 बैंड विद नॉट लेस देन 6 और प्लस आपकी जो परसेंटेज है वो अच्छी होनी चाहिए जो आपने डिग्री की है उस हिसाब से और उनकी फीस जो फंड्स हाँ फीस एंड ऑल वो सब कुछ और अपनी आप बता दें कि आपकी फीस कितनी थी और आपका जो कोर्स था वो क्या था यहाँ पे आने के लिए ओके मेरी फीस थी 15,000 पर सेमेस्टर जो कि अब बढ़ चुकी है ऑलरेडी बहुत ज्यादा 16 हो गई होगी आई एम डैम श्योर 16 हो गई होगी नाम से 16 हो गई मैंने 15 पे की है और क्या कि कौन सा कोर्स था यहां पे कोर्स मेरा था मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन अप्लाइड फाइनेंस डिफिकल्ट वर्ड बट और ये बताएं कि यहाँ पे जब आप आए थे ये वाला कोर्स लेके तो आपको मतलब कि यहाँ पे काम करने में और सब कुछ करने में कितनी डिफिकल्टी मतलब फीस बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ कि फीस कैसे आपने जोड़ी फीस पे करनी यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है स्पेशली ठीक है बीइंग अ गर्ल तो लाइक लड़कों के पास बहुत सारे फिर भी काम होते हैं थोड़ा सा लाइक ऑस्ट्रेलिया में डजंट मैटर तुम लड़की हो या लड़के हो बट फिर भी स्टिल कुछ काम होते हैं ना जो हम नहीं कर पाते मतलब थोड़े से जिसमें आपको पावर स्ट्रेंथ चाहिए मैं ये बोलता हूं ज्यादा पावर स्ट्रेंथ गर्ल्स करती हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे बॉयज को प्रायोरिटी मिल जाती है कुछ भी नहीं ऐसे गर्ल्स को भी कई चीजों में प्रायोरिटी मिलती है ठीक है जैसे फ्रंट के काम के लिए तो ठीक है लड़कियों को मिलती है या कुछ भी है तो ये जॉब ढूंढना एक तो मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती थी एक तो आपको ड्राइविंग आती है तो भी काम मिल जाता देख लो भाई बस एक डिसएडवांटेज सम ड्राइविंग सीख के आओ इंडिया से अपना लाइसेंस लेके आओ चाहे लड़की है चाहे लड़का चाहे 18 साल का अभी हुए हो तो उसके बिना मत आओ क्योंकि ड्राइविंग से हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास ज्यादा होगी तुम दूर भी जा सकते हो रात को जा सकते हो दिन में कभी भी कहीं भी जाओ तो मेरे को एक नहीं था इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है बट स्टिल ठीक है मैंने ट्राई किया तो मुझे डे टाइम में ही जॉब्स मिली तो किसी तरह मैंने 14 आवर्स की शिफ्ट्स लगा के अपनी फीस पूरी की तो और एक चीज आपको मैं यहाँ पे टोक रहा हूँ पहले हमें ये बताओ कि जो आपकी एजुकेशन थी उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि उसमें क्या था
क्या क्या किया है आपने, और अगर आप किसी को रिकमेंड करोगे जो बैचलर्स वाले यहाँ पे आ रहे हैं कि उनके लिए कितनी वो हेल्पफुल होगी, और पीआर का क्या स्कोप है, ये बताओ बेसिकली इस वीडियो में हम ज्यादा इस पे फोकस करेंगे। देखो आप मास्टर डिग्री यहाँ पे कर रहे हो, उसका पीआर के लिए अगर देखा जाए तो उसका बेनिफिट सिर्फ इतना है कि आपको एक पॉइंट्स मिल जाते हैं, बस पॉइंट्स कैलकुलेट जब आपके होंगे तब आपको उसके पॉइंट मिलेंगे कि ठीक है यार मास्टर डिग्री की है या बैचलर्स की है, तो ये है, अदरवाइज लाइक ठीक है। और अकाउंट्स में आती है बेसिकली आपकी, हाँ, है, मेरी finance और फाइनेंस हाँ। और इसमें पीआर के अब कितने पॉइंट हैं, आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, अगर आप 2019 अब तो चलो खत्म ऑलमोस्ट खत्म है 20 में अगर आप लगाते हो तो कितने पॉइंट चाहिए आपको अकाउंटिंग के लिए? मोर देन 100 चाहिए पॉइंट्स, अब तुम्हें 100 तो एटलीस्ट चाहिए ऑस्ट्रेलिया के किसी भी स्टेट तो, हाँ ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी 100 पॉइंट्स अकाउंटिंग के लिए चाहिए, चाहे विक्टोरिया है चाहे कुछ भी है जो मर्जी है, जो भी है तुम्हें कुछ चाहिए ही चाहिए 100 पॉइंट्स अब अकाउंटिंग के लिए। और रीजनल जो स्पॉन्सरशिप मिलती है स्टेट की तरफ से उसमें से तो अकाउंटिंग उन्होंने निकाल दी है, अकाउंटिंग में है ही नहीं इस साल निकली है कुछ, नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा आ सकता है, ठीक है रूल्स चेंज होते हैं ओके, बच्चों को थोड़ा सा बता देना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर आता है एक उसमें से निकली है इस बार, तो मे बी नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो वो उनको जरूर पता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये होता है कि क्वींसलैंड गवर्नमेंट को इस साल अपने हाँ फाइनेंस को बढ़ाने के लिए मतलब अपने जो उनकी क्या होती है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उनको कौन से जो बंदे थे एम्प्लॉयमेंट थे एम्प्लॉयर्स से चाहिए थे वो उसी फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, अकाउंट्स के उनके पास ऑलरेडी होंगे तो उन्होंने नहीं रखे, तो ये था ये हुआ। और बाकी जो फाइनेंस है फाइनेंस के लिए पीआर की रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो है तुम्हारे पास जॉब होनी चाहिए अपनी फील्ड की, अगर फील्ड की जॉब नहीं है तो फाइनेंस में तो पीआर भूल ही जाओ है ही नहीं, मस्ट है। तो आप कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए जॉब के लिए, एटलीस्ट 1 ईयर? हाँ एटलीस्ट 1 ईयर, 1 और 2 के बीच में भी 1.5-2 1 ईयर का एक्सपीरियंस, या फिर आप दिखा सकते हो कि मेरे पास ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट है जॉब का वो भी चल जाता है, ये दोनों चीजें ये पीआर की रिक्वायरमेंट है जो कि मतलब कि हर बच्चे का एक आप बोल सकते हो कि यार इंडिया से ये सोच के आता है हम पक्के कब होंगे तो हाँ ये चीज़ जरूरी है अभी इसमें। और यहाँ पे जैसे रीजनल का वो इजी करी जा रही है कि रीजनल में जाओ तो पीआर इजी है, बट स्टिल रीजनल में जाके सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और इसी बात में आपको एक चीज़ बतानी चाहता हूँ, इस लड़की में हमें सब जितने रह रहे हैं हमें बहुत प्राउड है कि बींग अ गर्ल इसने अपनी फीस निकाली है, काम करके निकाली है, और लीगल काम किया है, कोई ऐसा नहीं कि गलत काम किया है, अच्छा काम करके स्टैंडर्ड वाला। हाँ ये है कि हार्ड वर्क तो किया है उसने, क्योंकि उसको गाड़ी भी नहीं चलानी आती थी, सुबह उठ के पैदल जाना आना, यूनिवर्सिटी मैनेज करना, घर का काम, खाना पीना, बहुत सारे काम होते हैं तो इसने खुद मैनेज किया अकेली ने, और 90% बोल सकते हैं हम आपने फीस खुद निकाली है, हाँ तो 10% फिर भी उसको घर से मंगवानी पड़ी। तो ये यहाँ पे रहकर सिटी में रहकर ब्रिस्बेन में रहकर तो ये आप रीजनल में आप थोड़ा सोच लेते हैं मिल काम, मतलब आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मिल जाएगा बट एज कम्पेयर टू सिटीज नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज तो कम ही है ना। और बाकी स्टडी फिनिश होने के बाद भी अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब चाहिए तो सिटी में ही है अपॉर्चुनिटीज, रीजनल में काम अपॉर्चुनिटीज है। हाँ अगर पीआर में देखो तो फिर रीजनल अच्छा है, मतलब दोनों को उन्होंने ऐसे बैलेंस किया हुआ है कि समझ नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि जॉब आपके पास होनी चाहिए अपनी फील्ड की, दूसरी तरफ कह रहे हैं रीजनल में हो जाओ, तो क्या करें भाई जॉब तो सिटी में ही मिलेगी ना, रीजनल में कैसे मूव हो जाए, तो ये कंफ्यूजन वो क्रिएट करी जा रहे हैं, ये मतलब वो हार्डनेस बढ़ा रहे हैं डे बाय डे, तो खुद देख लो थोड़ा सा किस में आपको आना चाहिए, आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपको कोई रिलेटिव रह रहा है रीजनल में जो आपको सपोर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ जॉब तो आपके लिए रीजनल बेस्ट है, उसके ऊपर कोई नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आप खुद का अपनी फीस निकाल सकते हो एंड ऑल दैट थिंग्स और आपको सिटी में आना चाहिए, तो ये सीधी क्लियर कट बात है, सीधी सी बात। अगर तो आपके घर वाले सपोर्टिव हैं तो फिर तो सिटी में आओ, नहीं फिर तो आप रीजनल में जाओ, आई थिंक सो कि अगर आपको फीस दे सकते हैं ना तो आप रीजनल में जाओ, थोड़ा बहुत आप काम आपको मिल जाएगा जो आप अपना रेंट वगैरह पे कर लोगे, ठीक है इतना। तो इतना आप मैनेज कर सकते हो रीजनल में, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपनी फीस भी खुद निकालूंगा और रेंट भी दूंगा और सोच रहे हो कि इंडिया भी कुछ भेज दूंगा, वो तो रीजनल में मुश्किल, वो तो सिटी में भी मुश्किल है भाई, सिटी में भी मुश्किल है, सही बात है, फीस ही बड़ी मुश्किल से निकली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी सेफ एक्सप्लोरर्स।